इस वक्त हूँ मैं गुवाहाटी के स्टेशन पे, टिकट ले ली है। यूट्यूब वालों ने इशू कर दिया, देखो सामान चार्जिंग पे लगा हुआ है। तो यहाँ मच्छर इतने ज्यादा हैं, दिल्ली की ट्रेनों से तो अच्छा है। हम पहुँच गए हैं दीमापुर, तो यहाँ पे कैंप लगाना तो पॉसिबल ही नहीं है, यहाँ चोरी चकारी ज्यादा होती है। तो कुछ इस तरह से रूम है हमारा। सो गाइस गुड मॉर्निंग, एक और हमारा दिन और धूप कॉक करा रही है यहाँ पे दीमापुर के अंदर। और सो के उठे लेट, आपको जैसे ही पता है तो बस निकल रहे हैं। यहाँ की एक मार्केट है बहुत पॉपुलर, वहाँ चल रहे हैं, लेके जा रहा हूँ आपको, घुमाते हैं और दिखाते हैं दीमापुर नागालैंड की ये जो जगह है जहाँ आप पहुँचते हो, यहाँ लोग किस तरह का खाना खाते हैं। बेसिकली हम एक मार्केट है बहुत फेमस, वहाँ जा रहे हैं, और एक हांगकॉन्ग मार्केट है। दो तीन मार्केटें कवर करेंगे और ज़्यादा कुछ है नहीं यहाँ पे घूमने का। और एक जू वगैरह है, एक साइंटिस्ट म्यूजियम है, कुछ इस तरह की चीज़ें जो बच्चों के रिलेटेड है। फिलहाल जो हमें समझ आया हम वहाँ लेके जा रहे हैं, आपको बने रहिएगा साथ में। रूम्स यहाँ ठीक हैं और प्रॉपर्टी एज कम्पेयर दूसरी जगहों से अच्छी है। सुखाया अच्छा ऊपर, ये कुछ होटल है हमारा, काफ़ी सारे रूम्स है और ऊपर नीचे काफ़ी बड़ा है, और यहाँ लिफ्ट भी लगी हुई है। खुल जा सेम सेम, देखा कहना मानती है। अच्छा यही हमारा होटल है, काफ़ी बड़ा देखने में हमें लग रहा था, बड़ा महंगा होगा पर ज़्यादा महंगा नहीं है हमारे होटल से। और स्ट्रेट आगे जाओगे, आगे लेफ्ट हैंड साइड को आपका रेलवे स्टेशन है, अराउंड 200-300 मीटर दूरी पर। सामने भी होटल है, यहाँ होटल, वहाँ होटल, होटल होटल होटल, और ये हमारा होटल। भैया यहाँ जितने लोग देख रहे हैं सबने मास्क लगा रखे हैं। सुपर मार्केट इधर है, गूगल बाबा बताएंगे हमें कहाँ जाना है, वही डिसाइड करते हैं। तो भाई ये प्रॉपर सिटी सी लग रही है, ये चौक है, ट्रैफिक वाले खड़े हैं, वहाँ KFC नज़र आ गया है। आज KFC खाएंगे, बड़े दिन हो गए। तो भैया हमारे होटल से जस्ट नियर बाई थी ये सुपर मार्केट है, उसके सामने KFC है। यहाँ मार्केट में क्या होता है, क्या बिकता है, हमने तो अभी तक खुद ही वीडियोस में देखा है। ये बहुत बड़ी पेट शॉप है, डॉग्स वगैरह का फूड मिलता है यहाँ। डॉग लवर डॉग तो यहाँ कहते हैं खा जाते हैं, तो डॉग ये सामान कैसे बेचते हैं यहाँ के लोगों को मालूम है ब्लॉगिंग क्या होती है। तो भैया जो बताया जा रहा है, जहाँ हमारा जाने का मकसद है, भैया बता रहे हैं आ गई है। बस रोड पे जितनी मार्केट है ना सबको सुपर मार्केट ही कहते हैं। उस रोड का नाम क्या है, रोड का नाम कोहिमा रोड। तो हमें इस वक्त कोहिमा रोड के ऊपर, और यहाँ पे है सुपर मार्केट सारी, और ये शॉपिंग वॉपिंग के लिए है। फिलहाल दूसरी मार्केट में चलते हैं। चंदर भैया को अंके बिहार के भैया मिल गए थे, तो उन्होंने बताया कि यहाँ सुबह सुबह एक मार्केट लगने वाला है बुधवार को, और बहुत जबरदस्त मार्केट लगता है सुबह सुबह, और कह रहे हैं यहाँ की सबसे बड़ी मार्केट है। सबसे बड़ी सिटी है नागालैंड की दीमापुर, तो आप देख सकते हो ऑलमोस्ट सारी सिटी बसी हुई है और प्रॉपर तरीके से। फिलहाल हम आपको लेके चल रहे हैं जहाँ पे वो कुछ हॉरेबल्स है, जो लोग नहीं नॉनवेज खाते उनके लिए तो ज़्यादा, और जो लोग खाते भी है उनके लिए भी हॉरेबल है, सच बताऊँ तो। तो भैया बी केयरफुल, ध्यान रखना, हमें ब्लेम मत करना कि भैया आपने क्या दिखा दिया आपको। इस तरह से यहाँ का कल्चरल चीज़ें जो होती हैं, देख रहे हैं आप, ये सब चीज़ें मिल जाती हैं, आप घर जा नहीं सकते हैं। आंटी कितने का ये अगर लेना हो तो? 3500 का। इस तरह से देखो आप, ये घर के लिए, ये कितने का बैल? 15000। देख लो क्या खूबसूरत, आप इस तरह से शोकेस ले जा सकते हो। ये देखो कितना बढ़िया लग रहा है, और ये पूरा आप कितने का ये वाला? 18000 का। ये देखिए कल्चरल सामान ले सकते हो सारा, काफ़ी सारी चीज़ें मिल जाएंगी। ये चीज़ें हमें तो आइडिया नहीं है, बाकी एक एक चीज़ यहाँ यूनिक सी है जो यहाँ रेगुलर यूज़ में होती है। और फटाफट आपको आगे भी लेके जा रहे हैं, वॉक करते आ रहे हैं, इन बिटवीन जो आ रहा है वो दिखा रहे हैं। फिलहाल तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते आ रहे हैं वैसे वैसे ना ये रोड के पास इस तरह से मार्केट लगी नज़र आ रही है। ये देखिए दीमापुर के अंदर तो आप ले सकते हो सामान, जूते, लप्पे, चप्पल। कितने का बैग है? 1000। बच्चों के टॉयज, शूज़, और ये भी कुछ सामान मिल रहा है ऑल ओवर। चंद्र भैया ताला लगाने लगे हैं, साबुन है ये कपड़े धोने वाला, इधर यूनिक से पंखा पूरा लाइट वाला। अच्छा ये पूरी रोड सुपरमार्केट की है, यहाँ सामान मिलना शुरू हो गया है। यहाँ का देसी ये बैम्बोज है, ये दालें हैं, और अब आपको चीज़ें और भी दिखाते हैं क्या क्या मिलता है। ये क्या है? गुरु लच्छपरा। गुरु क्या होता है? काऊ का। ओके ये देखो काफ़ी मार्केट बढ़िया है, मुझे तो सब अच्छा लग रहा है। देखो कपड़े वपड़े सब बढ़िया मिल रहे हैं फर्स्ट क्लास, और किस तरह से आपको यूज शूज़ भी मिल जाएंगे, नॉट बैड। इस तरह से आप ये क्या है? नागापुरी स्टिकी राइस। इससे ये है क्या? स्वीट होता है, मीठा होता है? 10 रुपीज़ पीस। 10 रुपीज़ का पीस है।
अब बाहर की तरफ लेके चलता हूँ, चंद्र भी बाहर की तरफ है और मेरे ख्याल से वहाँ मिल रहा है कुछ नॉनवेज आइटम्स। मार्केट काफ़ी अच्छी है, काफ़ी अच्छी मतलब इन द सेंस कुछ डिफरेंट है, फ्रूट मार्केट ऑल ओवर सब मिक्स है। और यहाँ पे आपको नहीं होना चाहिए, मैं दिखाना नहीं चाहता, बस यहाँ कुत्ते बांध के बेचे जा रहे हैं। जिंदा कुत्ते हैं कुछ है, ये आ गई है अब नॉनवेज मार्केट और यहाँ जिंदा कुत्ते बेचे जा रहे हैं। देख रहे हैं फ्रॉग, कोई करना ही ना देता है, वो ड्राई फ्रॉग्स हैं, जिंदा फ्रॉग्स, अलग अलग फ्रॉग्स। कैसे क्या प्राइस रहता है इनका? 200 कुछ केजी। यहाँ मुर्गा तो बिकी रहा है, इसको ऊपर क्यों खड़ा कर रखा है ये नहीं मालूम। और यहाँ पे जिंदा फ्रॉग, डक भी बिक रही है और ये मशरूम का। दिस इज आल्सो फॉर ईट, ये भी खाते हैं, कबूतर है ना? नहीं कबूतर है। कितने का है ये जोड़ा? 350 जोड़ा। और ये तीतर है? 12.80। और ये कैसे है, ये कितने रुपए? 200 तक पेयर है। पतला पतला कबूतर सेल हो रहे हैं, खरगोश सेल हो रहे हैं, सब खाने के लिए सेल हो रहे हैं, सब कुछ खाने के लिए सेल हो रहा है। ये क्या मेरे भाई? चिंगी मांस है। चिली मांस है? चिंगी चिंगी उठा के दिखाना है। फिश है ये? डॉग का मिलते शायद। ये क्या है? बी इरुपू। ये कितने रुपए के जी है? 1000 रुपए के जी है। कितना महंगा होता है? इतना महंगा है। और डॉग्स वगैरह का? 5000 रुपये डॉग है। सारे जिंदा कुत्ते हैं, ये बैन ना करते हैं। ये मार्केट अभी छोटी है और बड़ी लगती है, फिलहाल तो थोड़ी बहुत लगी हुई है, जितनी लगी है आपको दिखा रहा हूँ। डॉग का रेट 5000 रुपये है और वो जो केंचुए थे उसका 1000 रुपये का रेट है। और मिक्स है, फ्रूट मार्केट भी है साथ में, नॉनवेज मार्केट भी है, सब तो कुछ मिक्स है। देखते हैं और कबूतर ये वो सब, ये सब खाने के लिए, पाने के लिए। तो ऑल ओवर कहानी है कि यहाँ सब कुछ बिकता है, सब खाया जाता है और वही दिखा रहा था आपको दीमापुर। कल सुबह लगेगी और बड़ी मार्केट, कल आपको वो दिखाएंगे सुबह। पेट लवर हूँ, मेरे पास कुछ डॉग है और बिलीव नहीं करोगे, मतलब कुत्तों को इस तरह से बंदा देख के मुझे बहुत अजीब लग रहा है, मतलब इवन और भी जानवरों को देख के अजीब लग रहा है। मैं सोच रहा था कच्चे मांस को बेच रहे होंगे पर नहीं, ऐसा नहीं है, जिंदा चीज़ों को बेच रहे हैं। उसके बाद जब कोई ख़रीदता है या तो वो मार के लेके जाता है या घर पे आके मारता है। बहुत हॉरिबल सा है और डर सा लग रहा है, अजीब सा लग रहा है और बस क्या बोलूँ, अजीब सी फीलिंग आ रही है। पर ये नागालैंड है, यहाँ पे आपको कहीं कोई डॉग नहीं नज़र आएगा, कहीं कुछ नज़र आएगा, मतलब कहीं आपको कोई कुत्ता है, मतलब किसी का कोई जानवर नज़र ही नहीं आएगा, जिंदा कुत्तों को जानवरों को पकड़ा हुआ है। क्या कर सकते हैं, दिखाता हूँ आपको और मार्केट, फिलहाल आए हैं तो दिखाऊंगा तो ज़रूर। बेचारे जनता हैं पकड़ा हुआ है, इवन मधुमक्खी के छत्ते ये भी बेच रहे हैं, देख रहे हो मधुमक्खी के छत्ते हैं। तो ये मार्केट अभी छोटी थी, कल शायद और बड़ी मार्केट लगने वाली है जहाँ पे और ज़्यादा चीज़ें बिकती हैं।
और फिर तो मैं बैंकॉक भी गया हूँ, चाइना भी गया हूँ, थाईलैंड भी गया हूँ, तो इसलिए ओपन में इस तरह से नहीं होता है। वहाँ होता है, मतलब आपको क्रोकोडाइल का मांस भी दिखेगा, सांप का भी दिखेगा, सब कुछ दिखेगा, पर वो सब कुछ मरा हुआ था, जिंदा नहीं दिखता है। और यहाँ जिंदा दिख रहा है तो थोड़ा अजीब लग रहा है, तो खासकर डॉग, मेरे पास खुद पेट है, मेरा मन कर रहा है सबको खरीद के खुला छोड़ दूँ, इनसे फ्री कर दूँ, कोई फ़ायदा नहीं है। फ्री कर भी दूँगा दोबारा पकड़ के भेज देंगे तो कोई फ़ायदा नहीं है, और अच्छे खासा प्राइस है एक एक डॉग का, 5,000 रुपये का प्राइस मांग रहे हैं, तो क्या कर सकते हैं। ये एक ऐसी लौकी मार्केट देख रहा हूँ जहाँ फ्रूट भी मिल रहा है, सब्जियाँ भी मिल रही हैं, नॉनवेज भी मिल रहा है और नॉनवेज का भाप भी मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है। ये देखो इनको, इनको ही पकड़ रखा है। मुर्गा कितने का है? हाँ? कितने का मुर्गा है? टुटू मुर्गा, कोई सा भी बता नहीं रहे प्राइस, उनको पता हमने खरीदना नहीं है इसलिए भाग गए। भाई डक भी बिक रही है। तो ये है दीमापुर नागालैंड, जैसे कि हमने सुना था आज तक कि यहाँ ये सब कुछ होता है, आज देख रहा हूँ और सच बताऊँ तो बहुत ही डर लग रहा है, अजीब लग रहा है। मैं तो वो जिंदा जो मैडक वैडक और चीज़ें थी उनके पास जाता था, डर लग रहा था अंदर से, अभी तक सोच रहा हूँ कि उन कुत्तों का साथ क्या होने वाला हूँ। हमारा काम है, हम दिखा रहे हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, किस तरह से चीज़ें होती हैं, किस तरह लोग खाते हैं, मीट खाते हैं, जो भी खाते हैं, एक्सरसाइज वो आपको दिखाना था, दिखा रहे हैं। बने रहिएगा साथ में, यहाँ तक वीडियो देख के लाइक मार देना, ज़्यादा अच्छी लगी हो शेयर कर सकते हो, और नए हो हमारे चैनल पर सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन दबा देना।